हेलो फ्रेंड, जहां पर बॉलीवुड की मूवीज बॉलीवुड की मूवीज के साथ क्लैश में आ रही हैं, टाकरा है इन मूवीज का, वहीं पर बॉलीवुड की मूवीज साउथ मूवीज के साथ में भी क्लैश पर एक ही दिन पर रिलीज हो रही हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बॉलीवुड मूवीज का टाकरा हॉलीवुड की मूवीज के साथ भी है, जिसकी एक और बड़ी मिसाल है ब्लैक विडो मूवी वर्सेस कूली नंबर वन मूवी, वरुण धवन वर्सेस स्कॉर्लेट जॉनसन, मार्वल स्टूडियो वर्सेस पूजा एंटरटेनमेंट। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूली नंबर वन मूवी की रिलीज डेट के बारे में और आपको जानकारी देंगे और बहुत सी अपडेट्स देंगे कूली नंबर वन मूवी को लेकर और साथ ही साथ ब्लैक विडो मूवी, जिसके ट्रेलर ने तहलका मचा दिया, तूफान ला दिया सोशल मीडिया पर और सभी को इस सुपर हीरो मूवी में नताशा का रोल बहुत ही पसंद आ रहा है। तो चलिए, ब्लैक विडो मूवी को लेकर भी बहुत सी अपडेट्स पर बात करेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं भारत भर में सुपर हीरोज की इन मूवीज यानी के मार्वल स्टूडियो की मूवीज का बहुत ज्यादा क्रेज है और अवेंजर्स एंड गेम, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी का लकब अपने नाम करके इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद है, तो इसके कारण मार्वल स्टूडियो को अब एक अलग ही नजर से देखा जा रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए और अगर आप वरुण धवन के फैन हैं या के ब्लैक विडो के कैरेक्टर के दीवाने हैं तो लाइक कर दीजिए हमारी इस वीडियो को। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ब्लैक विडो मूवी की बात की जाए तो इस मूवी को 1200 प्लस करोड़ के बजट पर बनाया गया है और 1 मई 2020 को ये मूवी सिनेमाघरों की जीनत बनने वाली है पूरे विश्व भर में, जबकि भारत में इसे एक दिन पहले ही रिलीज कर दिया जाएगा और सिर्फ 1, 2, 3 लैंग्वेज में नहीं 6 लैंग्वेज में। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि मार्वल स्टूडियो की किसी सुपर हीरो फिल्म को इतने बड़े लेवल पर रिलीज किया जा रहा है, हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, कन्नाड़ा में और इंग्लिश में, और इसे लगभग 2000 प्लस स्क्रीन काउंट दिया जाएगा। और इस मूवी को डायरेक्शन दी है कैट शॉटलैंड ने, जबकि केविन फिज ने ही इस पर पैसा खर्च किया है। और आपको बताते चलें कि इस मूवी का बस बहुत ज्यादा है, क्योंकि नताशा का कैरेक्टर एंड कर दिया गया था एवेंजर्स एंड गेम में, तो सभी जानना चाहते हैं नताशा की हिस्ट्री, ब्लैक विडो की हिस्ट्री, के किस तरह से वो ब्लैक विडो बनी। दूसरी तरफ कूली नंबर वन मूवी जो के 1 मई 2020 को क्लैश में रिलीज हो रही है और ये एक हिंदी लैंग्वेज की कॉमेडी फिल्म है जिसे डेविड धवन डायरेक्ट कर रहे हैं, यानी के वरुण धवन के पिता, और इसमें वरुण धवन के साथ पहली बार आप देखेंगे सारा अली खान को। इसके अलावा भी बहुत ही बढ़िया करेक्टर होंगे इस मूवी में, परेश रावल होंगे, जावेद जाफरी होंगे, राजपाल यादव होंगे, जॉनी लीवर को भी कास्ट किया गया है और इस मूवी का बजट 65 करोड़ है, बड़े बजट की मूवी है। और फरहाद सामजी ने इस मूवी के डायलॉग्स लिखे हैं जो कि हाउसफुल 4 में अक्षय कुमार सर के साथ काम कर चुके हैं, डायरेक्शन दे चुके हैं। इस मूवी के कुछ पोस्टर्स भी जारी किए गए और ये मूवी तैयार है इंटरनेशनल वर्कर्स डे पर बहुत ही शानदार ओपनिंग लेने के लिए। आपको अपडेट देते चलें कि इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा बज है, वरुण धवन की इस मूवी का बहुत ज्यादा क्रेज है और सभी देखना चाहते हैं कूली नंबर वन मूवी को, जो कि बैक टू बैक वरुण धवन की कमाल की मूवीज होंगी। एक तो स्ट्रीट डांसर, जबकि दूसरी कूली नंबर वन मूवी। स्ट्रीट डांसर भी 2020 के पहले मंथ में आपको देखने को मिलेगी और मई में देखने को मिलेगी कूली नंबर वन मूवी। तो जिस तरह से मूवी का बस बना हुआ है और ये एक रीमेक मूवी है 1995 में आई फिल्म कूली नंबर वन का, जिसमें गोविंदा सर शामिल थे, तो उसके कारण भी इस मूवी को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है। और ये मूवी अपनी रिलीज के ओपनिंग डे पर डबल डिजिट में एंट्री लेते हुए 20 से 25 करोड़ तक की ओपनिंग आसानी से ले सकती है, क्योंकि हॉलीडे का फायदा उठाएगी ये मूवी। और बढ़िया अगर इसका म्यूजिक रहा, इसका ट्रेलर रहा, तो ये कमाई 30 करोड़ के आंकड़े को भी छू सकती है। दूसरी तरफ ब्लैक विडो के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की बात की जाए तो वो मूवी भी करीब 20 करोड़ प्लस की आसानी से कमाई कर सकती है, लेकिन जिस मूवी को रिव्यू अच्छे मिले और पब्लिक ने सपोर्ट किया, जनता को भा गई मूवी, तो वो मूवी आगे निकल जाएगी और दूसरी पीछे रह जाएगी। तो देखते हैं कौन सी मूवी 100 करोड़ का आंकड़ा पार करती है, ब्लैक विडो मूवी या कूली नंबर वन मूवी। आपका क्या है कहना इन दोनों मूवीज को लेकर और आप 1 मई 2020 को कौन सी मूवी देखेंगे, ब्लैक विडो या के कूली नंबर वन? और आप वरुण धवन के फैन हैं या के स्कॉर्लेट जॉनसन के, जो के बड़ी बड़ी मूवीज में हमें दिख चुकी हैं? तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी फेवरेट मूवी का नाम जरूर मेंशन करें और अगर वीडियो और जानकारी पसंद आए तो उस वीडियो को